Good morning, children. I hope you all are doing well at your homes. So today we will start chapter 46 of your GK, branded products. ठीक है, branded products आप सब जानते हो ना, एक जो भी product locally बनता है, ठीक है, उसको हम local products कहते हैं. और जो products बहुत ही well known होते हैं, जिनकी बहुत ही अच्छी quality होती है, ठीक है, और उनका अपना एक आइडेंटिटी होता है, उनको हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बोलते हैं. ठीक है, वी यूज नंबर ऑफ थिंग्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स एवरी डे. अलग अलग ब्रांड के, अलग अलग क्वालिटी के डिफरेंट थिंग्स आप हमेशा यूज करते हो. ठीक है, तो ईच ब्रांड हैज इट्स लोगो विच वी आइडेंटिफाई इट एज एंड इट्स प्रोडक्ट्स. तो हम जो भी ब्रांड हम यूज करते हैं, जिस भी ब्रांड की आप चीजें यूज करते हैं, उनका एक अपना लोगो होता है ना, और फिर उस लोगो के हेल्प से हम पहचानते हैं कि ये कौन से ब्रांड का सामान है. ठीक है, सो फर्स्ट देखो यहाँ पे आपका है टी. ये जो टी का साइन बना है, इससे ये किस चीज़ का लोगो है? ट्विटर का. ठीक है, अगर आप फेसबुक यूज़ करते होंगे या फिर इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है. सोशल नेटवर्किंग साइट मतलब एक ऐसा साइट जिसके हेल्प से आप बहुत सारे लोगों से, फ्रेंड से आप अपने कनेक्टेड रह सकते हो. ठीक है, आप सोशल रह सकते हो. तो ये जो टी है, ये ट्विटर का साइन है, और ये कौन सा ये है? सोशल नेटवर्किंग साइट है. सेकेंड देखो रिबॉक. रिबॉक के शूज आते हैं. ठीक है, तो आप अपने भैया से या पापा से पूछना, जब भी रिबॉक का शूज आता है तो उसके ऊपर ऐसा, देखो यहाँ रिबॉक के ऊपर ऐसा साइन बना है ना, रेड और ब्लैक का, तो ऐसा बना होता है. तो दिस शोज दैट द शूज इज ब्रांडेड एंड इट इज ऑफ विच ब्रांड? रिबॉक ब्रांड का है. नाउ द थर्ड वन इज योर नोकिया. नोकिया मोबाइल जब भी, ये तो बहुत ही कॉमन है, सबके घर में पहले नोकिया मोबाइल हुआ करता था, है ना. तो जब भी आप फोन को ऑफ या ऑन करोगे तो सबसे पहले स्क्रीन पे क्या आता है? नोकिया का लोगो आता है, या फिर फोन के पीछे आप देखोगे तो वहां पे क्या लिखा होता है? नोकिया लिखा होता है. ठीक है, तो व्हाट डज इट शोज कि ये नोकिया का फोन है. नाउ द फोर्थ वन इज योर अपैरल. ये जो क्रोकोडाइल का साइन है, ये भी एक ब्रांड है. अपैरल का मतलब क्लोदिंग ब्रांड, मतलब कपड़े का ब्रांड है क्रोकोडाइल. ठीक है, और उस इस ब्रांड के जो भी कपड़े होते हैं उसके ऊपर छोटा सा एक ऐसा ही क्रोकोडाइल बना होता है. तो व्हाट डज इट शोज कि ये किस ब्रांड का कपड़ा है? क्रोकोडाइल ब्रांड का कपड़ा है. ठीक है, नाउ फिफ्थ वन इज योर याहू. याहू क्या है? सर्च इंजन. जैसे गूगल होता है तो गूगल का ब्रांड साइन क्या होता है? जी. उसी तरह से याहू का ब्रांड साइन ऐसे लिखा होता है, YAHOO. तो what does it shows that it is a search engine. सर्च इंजन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी साइट जहां पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो. किसी भी चीजों का इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं है तो आप उस पर सर्च करके आप उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे आप गूगल पे करते हो ना, उसी तरह से आप याहू पे भी कर सकते हो. नाउ द सिक्स वन इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. ये जो साइन है, आप जब भी कंप्यूटर रूम में आते होंगे और सर कंप्यूटर ऑन करते होंगे तो ऐसा साइन बना हुआ आता है ना, तो ये विंडोज का साइन है. ठीक है, नाउ द सेवेंथ वन इज कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन. ये एप्पल का जो लोगो है, आधा कटा हुआ जो एप्पल है, ठीक है, ये लोगो किस चीज का है? ये हम सबको पता है, आईफोन्स में या एप्पल के जो भी लैपटॉप्स या फोन्स होते हैं उनमें ऐसा बना होता है. तो इससे हमको क्या पता चलता है कि ये किस ब्रांड का लैपटॉप है या किस ब्रांड का फोन है? एप्पल का. ठीक है, एंड नाउ दिस फोर रिंग्स. ये भी बहुत कॉमन है. फोर रिंग्स ऑडी की होती है. ठीक है, तो ये फोर रिंग्स वाली कोई भी कार अगर आप देखते हो तो आप मेकआउट कर लेते हो ना, पहचान जाते हो ना, अच्छा ये ऑडी की कार है, इजंट इट? तो दिस इज द थिंग. नाउ सी हियर, एप्पल इन दिस लोगो इज टेकन फ्रॉम द बाइबल स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव, वेयर एप्पल रिप्रेजेंट्स द फ्रूट ऑफ ट्री ऑफ नॉलेज विथ अ पन ऑफ बाइट एंड बाइट. दिस मीन्स दैट कि ये जो एप्पल का लोगो है, ये कहाँ से लिया गया है? ये आपके बाइबल से, एडम और ईव की जो स्टोरी है उसमें से ये लोगो, वहां से ये उठाई गई है. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर. ये जल्दी से हम लोग देख लेते हैं. Important days. Some days are celebrated with specific purpose. जिस तरह से हम 15th August, 26 January ये सब celebrate करते हैं ना, उसी में से और भी कुछ important days होते हैं, वो देखो यहाँ पे. 21st June, International Yoga Day. मतलब ये 21st June जो है International Yoga Day के लिए celebrate किया जाता है. Now 8 September, Literacy Day. Literacy Day का मतलब literacy का मतलब पढ़ाई. ठीक है, साक्षरता. तो 8 September को हम as a Literacy Day celebrate करते हैं. 7th April as a World Health Day. 7th April को हम as a World Health Day celebrate करते हैं. Now 31st October, it is celebrated as UNICEF Days. UNICEF क्या होता है? यूनिसेफ जो है सो बच्चों के एजुकेशन और वेलफेयर के लिए काम करते हैं. ठीक है, ये फंड से कलेक्ट करते हैं. नाउ 22nd अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड अर्थ डे. 22nd अप्रैल किस के लिए सेलिब्रेट होता है? वर्ल्ड अर्थ डे के लिए. नाउ 5th जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे.
22nd March is celebrated as your World Water Day. 8th March, Women's Day. 21st September is Peace Day. 5th September, Teachers Day. बहुत common है, ये आप सबको याद होगा कि हम 5th September को क्या celebrate करते हैं? Teachers Day celebrate करते हैं. And 14th November, we all remember that we celebrate it as a Children's Day. इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का birthday भी था. So, that's all for today. Thank you.